फोर स्टार होटल मोस्ट प्रॉब्ली, वहाँ पर 149 में आपको बफेट दिया जा रहा है, मतलब 149 में आप अनलिमिटेड खा सकते हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज सुबह ही घर से निकले राजाहाट की तरफ, थोड़ा काम था इधर, तो अभी फ़िलहाल काम तो हो गया ख़त्म, अभी जा रहे हैं वापस घर। तो बहुत ज़ोरों का भूख लगा है, सोच रहे थे थोड़ा अगर कुछ अच्छा बढ़िया से रेस्टोरेंट थोड़ा मिल जाता तो अच्छा रहता, तो इतना अभी तो बजे, अभी तो फ़िलहाल बजे 8, इतना सुबह है तो कितना कोई भी रेस्टोरेंट खुलता है या नहीं पता नहीं। तो याद आया कुछ दिन पहले यूट्यूब में मैंने देखा था कि यहाँ पर चिनार पार्क में एक होटल है, फोर स्टार होटल मोस्ट प्रॉब्ली, फोर स्टार या थ्री स्टार ऐसा कुछ होगा, नाम है विक्टोरिया होटल। वहाँ पर 149 में आपको बफेट दिया जा रहा है, मतलब 149 में आप अनलिमिटेड खा सकते हो, सिर्फ ब्रेकफास्ट चाहिए। ब्रेकफास्ट में जनरली जो जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही खाना शायद होगा, तो पता नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। तो जो भी है 149 उन्होंने प्राइस रखा, 149 में आप अनलिमिटेड खा सकते हो। तो आज का व्लॉग उसी के ऊपर है, तो प्लान नहीं था व्लॉग बनाने का, तो भूख भी लगा है और रोड पे ही पड़ेगा, जाते वक्त ही ऑन रोड पड़ेगा, चिनार पार्क में है तो क्यों ना आपको दिखाया जाए एक्चुअल में ऑफ़र है, मतलब स्टिल अवेलेबल है या नहीं, मैंने काफ़ी दिन पहले देखा था। तो चलिए पहुँचते चिनार पार्क विक्टोरिया होटल, वहाँ जाकर पता करते हैं कि 149 में क्या क्या खाना मिलता, अगर मतलब मिलता भी है या नहीं, तो वहीं जाने के बाद पता चलेगा। तो चलिए पहुँचते हैं होटल, वहाँ जाकर पता करते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। A few moments later. लो पहुँच गए विक्टोरिया होटल, तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के पता करते हैं 149 वाला बफेट स्टिल अवेलेबल है या नहीं, और क्या क्या है, अगर अवेलेबल है तो क्या क्या आइटम्स है उसके अंदर, अंदर चल के पता करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो पहुंच गए विक्टोरिया होटल के अंदर, तो ये है विक्टोरिया होटल, तो यहीं पर ही आपको पहुंचना है जहां पर 149 का आपको बफेट मिलेगा, अनलिमिटेड फूड। यहां पर सोमन भैया के साथ मुलाकात हुआ है, तो यही है यहां पर इंचार्ज, तो यहीं से बात करेंगे, तो क्या क्या ऑफर्स है, कैसे आप अवेल कर सकते हो, आपको खुद सोमन भैया बताएँगे, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू द विक्टोरिया होटल। आप लोग जो देख रहे हैं ये वंडरफुल स्प्रेड ऑफ होटल, आपका बुफे जो है इसका कॉस्ट है ओनली 150 रुपीस, ठीक है, जहाँ पर आपको तरह तरह की खाना मिल सकता है, स्टार्टिंग विद दी सीरियल्स विद हॉट मिल्क, साउथ इंडियन डिशेज लाइक डोसा, इडली, उपमा, एंड इंडियन डिशेज लाइक पूरी सब्जी, आलू पराठास, यू कैन ऑल्सो, आपको ब्रेड टोस्ट भी मिल जाएगा यहाँ पर विद प्रिजर्व्स, और टी कॉफ़ी तो है ही साथ में, ये सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं यहाँ पर रह के भी या बिना रह के भी, एनी टाइम इन द मॉर्निंग टाइम फ्रॉम 7 to 10:30 AM। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बुफे का लेआउट, दिखाते हैं क्या क्या है इसमें। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद हॉट एंड कोल्ड मिल्क, ये हॉट मिल्क है, साथ में आपका कोल्ड मिल्क भी है। यहाँ पर दो तरह का सीरियल्स है, एक है आपका कॉर्नफ्लेक्स, एक है चोको फ्लेक्स। उसके बाद ही हम सीधे चले जाते हैं साउथ इंडियन सेक्शन में, यहाँ पर दो तरह का चटनी डिस्प्ले किया हुआ है, एक रेड चटनी और एक कोकोनट चटनी। यहाँ पर आपको डोसा बाय ऑर्डर मिल जाएगा, हॉट प्लेटर सर्विस, मसाला डोसा, प्लेन डोसा, रवा डोसा आपको मिल जाएगा। साथ में आपका यहाँ पर
साउथ इंडियन डिश भी रहता है जैसे उपमा या फिर इडली। तो ये क्या भी है? ये उपमा है सर। अच्छा उपमा, ओके। उसका साथ ही है आपका एकॉम्पनीमेंट सांबर है। सांबर है ना जी। उसका बाद आपका इंडियन डिश में आ जाता है या तो आलू पराठा रहता है या फिर पूरी सब्जी, कोई भी एक इंडियन डिश उसमें साथ रहता है। अच्छा, मतलब हर दिन डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब सेम 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 नहीं रहता। अच्छा, फिर आपका यहाँ पर आ जाता है प्रिजर्व्स और ब्रेड। ब्रेड के साथ हम लोग देते हैं जैम या फिर मलमे, उसका साथ बटर रहता है। फिर यहाँ पर मतलब टोस्ट भी किया जा सकता है। ओके ओके, फाइन करते हैं। फिर आप लोग यहाँ पर जूस काउंटर में आ जाते हैं। यहाँ पर जूस भी चेंजेस होता है डे बाय डे, कभी फ्रेश कैन जूस रहता है या फिर फ्रेश जूस रहता है या फिर कोई भी मॉकटेल्स रहता है ऑन द फेस। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग बेवरेज सेक्शन में, जहाँ पर आपको टी एंड कॉफ़ी बहुत मिल जाएंगे। कॉफ़ी का डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है, जैसे कैपेचिनो है, कैफे लाते हैं, ब्लैक कॉफ़ी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है, कैपुचिनो, कैफे लैटे, ब्लैक कॉफ़ी, कॉफ़ी कैफे मोका, हॉट चॉकलेट, कार्डामन की मिल्क एंड हॉट वाटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ना ही इसके लिए मुझे कोई पेमेंट दिया गया। ये सिंपल ऑनेस्ट रिव्यू है। मुझे भूख लगा था, रास्ते से जा रहा था और यहाँ पर विक्टोरिया होटल के बारे में मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने यहाँ पर आया और आपको दिखाया। बस कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो। मुझे जो है लगा वही मैंने आप लोगों को बताया, बस इतना ही है। सो खाना टेबल पे लग गया है। तो जैसे आप देख सकते हो ये है डोसा, उसके साथ कोकोनट चटनी और ये है रेड चटनी, एग्जैक्टली। और ये है नींबू वाटर और ये है योगर्ट, मतलब खट्टा दही। ये है आपका पिकल अचार, मिक्स पिकल अचार। और ये है सब्जी और ये है उपमा, ये है उपमा और ये है सांबर और ये भी है चटनी। और यहाँ पर ब्रेड टोस्टेड, इसके साथ आपको एक अमूल का बटर दिया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो एक पोच ऐसा कुछ है, एक पोच। यहाँ पर कॉफ़ी है और यहाँ पर आपका चोको फ्लेक्स और ये है कॉर्नफ्लेक्स, ये उबला हुआ मतलब दूध, हॉट मिल्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है फूड क्वालिटी। सो लेट स्टार्ट विथ कॉफ़ी। हार्ड है, टू गुड। एक ही आइटम पटके रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी सब ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है। तो ये हो गया कॉफी। तो अब चलते हैं चोको फ्लेक्स और कॉर्नफ्लेक्स। अच्छा, चोको फ्लेक्स, तो ये है कॉर्नफ्लेक्स बिना चीनी के। तो जिनका जिन लोगों का डायबिटीज़ का कोई प्रॉब्लम है तो आप बिना शुगर के भी खा सकते हो। तो मैंने बाद में जो है शुगर मैंने ऐड कर लिया था। गुड, अच्छा है। तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं टोस्ट। तो हमसे ये खोला नहीं जा रहा था, भैया ने हेल्प कर दिया। तो कोई भी दिक्कत हुआ तो भाई सोमन भैया है, वो आपको हेल्प कर देंगे। नॉर्मल
ब्रेड और बटर का टेस्ट क्या है आप लोग जानते ही हो। तो ये जब लाया गया तब एकदम गर्म था, ए सी चल रहा है तो थोड़ा ठंडा हो गया, वरना बाकी सब तो परफेक्ट है। तो आप लोगों को शायद पता ना हो, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं बिल्कुल मतलब शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो इसीलिए तो मैं अंडा तो नहीं खाता। तो आप लोगों को शायद लग रहा होगा ऐसे कैसे खा रहा है। इसके साथ आप चाहो तो अंडा भी खा सकते हो, यहाँ पर अंडा भुर्जी मिलता है, आपका अंडा पोल भी मिलेगा, आप उसके साथ भी लाके खा सकते हो। मैं तो इसमें ही खुश हूँ। तो नेक्स्ट आलू पराठा और साथ पिकल, आप चाहो तो खट्टा दही के साथ भी खा सकते हो, तो मैं तो इसे ट्राई करता हूँ। डिसेंट, और ये हो गया खट्टा दही। ठीक था। लाइम जूस, हालांकि ये शुरुआत में खाना चाहिए था, नजर नहीं गया, तो अभी देखा तो अभी खाते हैं, अभी पीते हैं, सॉरी। थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ ट्राई करते हैं, ऑफ कैमरा जब होंगे तब खाएंगे, तब आके। अच्छा, तो द नेक्स्ट आइटम इज उपमा, जस्ट हैव अ लुक। उपमा है, आप लोगों को शायद पता होगा, ये उपमा जो है सूजी से बनता है, इसके अंदर जो बीन्स है, थोड़ा आपका वो गाजर है, बहुत सारा है। हम बंगाली लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, इसलिए तो इंडाइजेशन एसिडिटी का प्रॉब्लम में ज़्यादातर परेशान रहते हैं। तो ये जो साउथ इंडियन फूड है इसमें वो आपका जो ओवर स्पाइसीनेस जो है वो नहीं रहता है, डिसेंट फूड है, मतलब हेल्दी फूड। यू मस्ट ट्राई दिस, 149 ओनली। डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए और चेक कीजिए। फ़ोन नंबर दिया हुआ रहेगा, आने से पहले फ़ोन कीजिएगा, पता चला आप आए ऑफर ही बंद हो गया, ऐसा ना हो, आने से पहले फ़ोन कीजिएगा। सौमन भैया है यहाँ पर, सो दिस वन इज डोसा, प्लेन डोसा, मोस्ट प्रॉब्लम प्लेन डोसा ना, मसाला डोसा, और क्या चाहिए आपको, बच्चे की जान लोगे क्या। 149 में ये सब के साथ मसाला डोसा, बाहर खाने जाओ तो 50 रुपीज़ का अलग से लगता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अमेजिंग। सांबर गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एकदम एक नंबर। तो यहाँ पर इतना सारा खाना भैया ने दिए हैं मुझे, इतना तो खाना पॉसिबल नहीं, तो मैं यहाँ पर जो जो बॉयल्ड एग है वो तो मैंने लिया,
और एक भुर्जी भी है वो मिलता है, वो भी मैंने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि मैं तो खाता नहीं, बस आप लोगों को दिखाने के लिए बस एक का जो अंडे का जो पूछ है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो आप अगर चाहो तो यहाँ पर अनलिमिटेड बॉयल्ड एग या एक भुर्जी कुछ भी आप ले सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है, आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो। तो बहुत हो गया आज के लिए, इतना ही बहुत है, अभी खाते हैं। सो एंड ऑफ ऑल, फूड क्वालिटी इज आउटस्टैंडिंग, ट्रूली अमेजिंग। तो 149 रुपये में इतना सब कुछ ट्राई करना तो बनता है बॉस। तो आइए ट्राई कीजिए और कैसा लगता है कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और हाँ दादा, तुम्हारे ओखने रेटिंग देर व्यवस्था है गूगल में ना? अच्छा, और एक बात, अगर अच्छा लगा तो विक्टोरिया होटल गूगल में जाके रेट कर दीजिएगा, आपको जितना सही लगे। 5-star रेटिंग जो है, 3-4-5 जो भी है, आपको जितना लगता है वो कर दीजिएगा रेटिंग। तो यहीं पे करते हैं ख़त्म वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन वो भी दबा दीजिएगा। तो चलते आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।